मेरा नाम है अनिल और मैं आज आपको लेके आ चुका हूँ। आप देख रहे होंगे कि आज मैं साइट पे हूँ, यानी कि होम जिम के बारे में नहीं, जिसको होम जिम का सामान लेना है उसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ स्पेशली, क्योंकि सबकी क्वेरीज होती है कि हमें सस्ते से सस्ता सामान जिम का, डंबल्स हो गए, प्लेट्स हो गए या फिर बेंचेस वगैरह हो गए, कहाँ मिलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम सीधा डायरेक्टली साइट पे चलें और आपको दिखाएं कि कहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे सस्ते से सस्ता, ही मेरा प्रॉमिस है, सारा होम जिम रिलेटेड आपको इक्विपमेंट मिल जाएंगे और मटेरियल जो भी होगा सारी अच्छी क्वालिटी के साथ विद बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे। और आप देखिए, आप इसकी सराउंडिंग देखिए, आपको जो नॉर्मल शॉप्स होती वैसी नहीं मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे आपको होम जिम के रिगार्डिंग सबसे चीपेस्ट और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो मैं आज आ चुका हूँ। तो भैया आपका नाम क्या है? जतिन चौहान। तो ये जतिन चौहान है और भैया की ये शॉप है। तो जतिन भैया, कितने साल पुरानी शॉप है आपकी? एक्चुअली ये शॉप तो मेरे पापा ने ओपन की थी, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये 11 साल से शॉप है। आज आप हमें क्या क्या मटेरियल दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जो उनकी क्वेरीज होती है कि हमें बेस्ट रेटों पे और फिटिंग होनी चाहिए, तो क्या आप दिखाएंगे आज? होम से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं सारे होंगे मेरे पास। तो सबसे पहले तो प्लेटें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कौन सी प्लेट आप रिकमेंड करोगे सबसे पहले? तो ये एक्चुअली जो मार्केट में पीवीसी वाली प्लेट्स होती है वो सस्ती होती है, मेरे पास तो वो होती नहीं है, क्योंकि उससे क्या है कस्टमर बनते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। इम्पल्स कंपनी की प्लेट, तो ये देखिए, ये है इम्पल्स क्वालिटी की कंपनी की है और ये रबर की है, कोटिंग भी आप देख सकते हैं इसमें रबर की पूरी है, तो रबर का इसके अंदर मटेरियल है। इसमें एक्चुअली लोगों की कंप्लेंट होती है कि प्लेटें घिस जाती है, इसी वजह से हमने इसमें बुश लगाए हुआ ताकि प्लेटें घिसे भी ना जाए। ओके। और लॉन्ग लाइफ चले। और इसका प्राइस बताएंगे आप? तो इसका रेट हमने रखा हुआ है 40 रुपीज़ पर के जी, 40 रुपीज़ पर kg है। और गाइस, लिटरली बिलीव नहीं कि आपको इस रेट पे रबर प्लेट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने कुछ जनरली कई जगह पे जाके मैंने सर्च किया तो 60-70 रुपीज़ मिनिमम होता है, तो ऑलमोस्ट हाफ रेट पे आपको दे रहे हैं। ब्रांडेड प्लेट्स होती है, इसके अंदर एक्चुअली क्रोम होता है, ऊपर से रबर की कोटिंग होती है। ओके, इसका मतलब आपको दोनों चीज़ों का एक साथ मिक्सर मिल गया जी, क्रोम का भी प्लस रबड़ का भी, तो ये उससे और प्लस में क्वालिटी है। उसकी जो फिनिशिंग है ना, ये फिनिशिंग से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली। तो इसका क्या प्राइस होगा? ये एक्चुअली अभी तो 120 पर kg है, 120 पर kg का है, जो कि बहुत सॉलिड और अच्छा रेट है। अगर आप किसी ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा सस्ते रेटों पे ये वहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, से लेके 25 kg तक मिल जाती है। तो पूरा का पूरा स्टॉक आप ले सकते हैं, 25 kg मैक्सिमम होम जिम के लिए काफी अच्छा होता है। मेरे पास से 4 क्वालिटी की डंबल रोड्स होगी। ओके, ये वाली तो 400 का पेयर है, ये वाली 500 का पेयर है और ये वाली 600 का, और जो मैंने आपको अभी स्टील प्लेट्स वाली दिखाई है रोड, वो 550 का पर पेयर। ठीक है, तो आप सिखाना चाहता हूँ। वाह, मेरे पास 4 क्वालिटी के डंबल्स होंगे, हेक्सा, कैप्टन अमेरिका, बाउंसर, स्टील, ये 100 रुपये पर kg है। तो 100 रुपये कौन से वाले बताए आपने मुझे? ये हेक्सा, बाउंसर, स्टील और कैप्टन अमेरिका 120 पर kg। तो हेक्सा, बाउंसर और स्टील सारे 100 रुपीज़ पर kg है। मुझे नया सा लगा क्योंकि इसकी फिनिशिंग भी बढ़िया लगे और सॉलिड है बहुत ज़्यादा। ये लास्ट पेयर बचा है, लॉकडाउन में इसका स्टॉक ही खत्म हो गया। दोस्तों, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो हैवी वर्कआउट करते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये डंबल सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्पेस कम लेते हैं और सॉलिड बहुत ज़्यादा है। तो इनकी प्राइसिंग कितनी है? 100 रुपीज़ ही है। देख लो दोस्तों, कितनी अच्छी क्वालिटी है, वो भी सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और आपके रेट्स इतने बढ़िया हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ मैच कैसे हो पा रही है? ये है ना कि मैं मैन्युफैक्चरिंग से सीधा रिटेलिंग पे लाता हूँ, बीच में कोई ट्रेडर है ही नहीं, इसलिए रेट इतने डाउन है। ये वाली होगी। ओके, ये अभी तो 120 पर kg है। ओके, देखते हैं आप फीट की है, ये चेस्ट के लिए और डेडलिफ्ट के लिए होती है मेनली। Okay. पर फीट है, इसमें साइज 3 फीट से लेके 7 फीट तक मिल जाएगा। ओके, तो पर फीट के हिसाब से आपको पड़ेगा ये 250 रुपीज़ इन्होंने पर बताया फीट के हिसाब से। और इसके बाद आप कौन सा आप हमें चीज दिखाने वाले हैं? तो हमारी ये जिगजैग रोड होती है, ये 300 रुपये पर फीट है। तो सेम चीज़ है, 28 mm इन्होंने बताई है, बट इसका रेट जो है वो 300 पर फीट होगा। और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत हैवी है। आप रेजिस्टेंस बैंड हो गया, जिससे कि कई लोग एक्सरसाइज भी जो फ्री वेट जी करते हैं जी, उनके लिए यूजफुल लगा। ये एक्चुअली डबल लेयर में होती है। ओके, डबल लेयर है, इसको आप सिंगल भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो इसको बाइसेप पंपिंग के लिए। और डबल इसलिए होती है जैसे कि बॉडी बिल्डर एथलीट्स होते हैं, ज्यादा उनको वेट का वो प्रेशर चाहिए, तो इसलिए यूज होता है। ओके, तो 300 रुपए का है फिलहाल। तो ये भी बहुत अच्छा रेट है मेरे हिसाब से। तो ये बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर्सनली आके क्वालिटी चेक जरूर कीजिए और उसके बाद आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि चीज़ बहुत बढ़िया है।
रिस्ट एक्सरसाइज। तो ये रिस्ट एक्सरसाइज भी हो गया है, बाद में फ्रैक्चर हुआ कभी या चोट लगी है तो ये एक तरीके से इसको हील करने में काम आता है और आपकी कलाइयों पे स्ट्रेंथ ज्यादा देता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे, थोड़ी सी नई भी लगी मुझे। 300 रुपये पर पीस है। ठीक है, तो ये 300 रुपये पर पीस है। ये एक्चुअली पेट की एक्सरसाइज के लिए होते हैं, वेट कम करने के लिए। ओके, ये इसी टाइप से होती है, पाँव में फंसा के बैठ के एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा, तो आप इससे एक्चुअली बेली फैट कम होता है। तो इसमें ये 550 पर पीस, 550 पर पीस है। और बेली फैट से जो परेशान है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। जो एथलीट होते हैं ये सबसे काम की चीज़ बताइए। क्योंकि क्या होता है ना, जो ये बेल्ट होती है ये अगर कोई ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करता है, डेडलिफ्ट कर रहा है और शोल्डर भी अगर वो कर रहा है कोई भी चीज़ें, तो उसका या लेग वर्कआउट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेल्ट होती है। 550 पर पीस है ये। 550 पर पीस है जी। बच्चों के लिए, अच्छा बच्चों के लिए कोई ज़्यादा चीज़ निकलने वाली है। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा आइटम है यार। तो इसको कैसे आप फिक्स करेंगे? जैसे कहीं पे भी गेट में ये कुंडा दिया होता है, गेट में या पंखे में कहीं पे भी लगा दो बच्चों की हाइट के लिए। अच्छा, तो ये इसमें अपना लटक के उनकी जो हाइट का जब जी टाइम वो होता है तो उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है तरीके से। ये फिलहाल तो 250 पर पीस है। वेरी गुड। तो आपने बेसिकली देख लिया इनका सारा जो सेटअप है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है होम जिम के रिगार्डिंग। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनकी शॉप है कहाँ पे एक्चुअली में? तो भैया आप खुद बताइए कि आपकी शॉप कहाँ पे है। एक्चुअली लेफ्ट साइड में आप पड़ेगा पैसिफिक मॉल और राइट साइड में पड़ेगा सुभाष नगर। ये एक्चुअली जो है एग्जैक्ट लोकेशन आपको गूगल मैप पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में हम इसको डाल देंगे। सिंपली अगर जो भी दिल्ली में रहता है तो पता ही होगा कि पैसिफिक मॉल कहाँ पे, सुभाष नगर। सुभाष नगर के जस्ट साथ में ही मेन गेट के पास में आपको इनकी शॉप मिल जाएगी और पिलर नंबर 469 के जस्ट सामने इनकी शॉप है, अजीत जिम शॉप के नाम से। ओके, आप जो दूसरा क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों के मन में रहता है वो ये रहता है कि COD कहाँ पे अवेलेबल है? ऑटो स्टेट करते हैं कि सिर्फ दिल्ली में करते हैं? नहीं, COD क्योंकि दिल्ली से बाहर इसलिए नहीं की हुई है क्योंकि ना 2-3 बार फ्रॉड हो चुका है। लोग सामान मंगवाते हैं उसके बाद पेमेंट नहीं करते और गायब हो जाते हैं। तो इसी वजह से दिल्ली के बाहर COD नहीं है, दिल्ली के अंदर ही है। तो देखिए, दिल्ली के अंदर ही मटेरियल चाहिए, मतलब कि दिल्ली में कहीं पे भी चाहिए तो ये COD अवेलेबल है। यानी कि मतलब आप इनको ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद आपका मटेरियल कितने दिन में पहुंच जाएगा दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर तो सेम डे डिलीवरी होती है, जैसे अगर डिलीवरी ज़्यादा हो तो 1-2 दिन लगते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मुझे बताइए अगर दिल्ली से बाहर कोई करता है तो क्या आप अवेलेबल करा पाएंगे उसे? दिल्ली से बाहर हो तो जाएगा, बट उसके लिए हम कोरियर से भेजते हैं और उसका COD तो नहीं होगा, उसका एक ही ऑप्शन है। जैसे हम कोरियर वाले के पास जाके उसका जो ऐप होता है वो आपको ऐप देंगे और जो ट्रैक ID होती है वो ट्रैक ID आपके पास जब आ जाएगी आप तब पेमेंट करिए और जब आपका सामान डिस्पैच हो जाएगा आप तब पेमेंट करिए, तो सामान कोई COD नहीं होगा। ओके, काम इन्होंने किया ताकि आपको भी कोई शक ना रहे और दोनों में कोई प्रॉब्लम ना रहे आपस में, क्योंकि ऐसा होता है ना दिल्ली से बाहर, ना तो आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, बिल्कुल इसी वजह से तो थोड़ा होता है। यार मैं पूछना चाहूंगा कि आपके टाइमिंग्स क्या है, पहले का मुझे बताओ। टाइमिंग सुबह एक्चुअली लॉकडाउन में तो शॉप खुलती थी 1 बजे से लेके 8 बजे तक, शाम के 8 बजे। अब लॉकडाउन खुल चुका है तो शॉप का टाइमिंग है 11 to 8। ये एक्चुअली इंक्लाइन होता है, ये भी इंक्लाइन होता है, ये फ्लैट होता है, डिक्लाइन हो गया। शोल्डर के लिए इसमें ये होता है, शोल्डर के लिए ये हो गया 90 डिग्री। तो ये आपका 4-in-1 बेंच है जो आपको बहुत ही बेसिक है और आपको घर में यूजफुल काफ़ी ज़्यादा होगा। एक्चुअली मेरे पास 6-in-1 भी होती है, 15-in-1 भी होती है एंड ट्रेडमिल साइकिल सब मिल जाएगा। एट दी एंड में मैं बोल देता हूँ कि इनकी जो भी डिटेल्स है, फोन नंबर और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसके बाद जब भी आपको कॉल करना है तो 11 to 8 आप इनको कीजिए और उसके बाद आपकी होपफुली सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे और आप खुश होकर जाएंगे। तो आपका प्रॉमिस है कि व्यूअर्स को खुश करके भेजेंगे। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपकी वीडियो देख के कोई कस्टमर आता है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, अगर आप मेरी वीडियो देख के आ रहे हैं तो आज के रेट आपको बिल्कुल वही वाले लगे, तो आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भैया को आप दिखा दीजिए तो उनको बिल्कुल रहेगा कि मैंने इस टाइम पे यही रेट दिए थे, तो वही रेट आपको मिलेंगे। तो इससे आपको पता चल सकता है कि कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो होपफुली आपको सब अच्छा लगा होगा और आप आगे खरीदारी करेंगे। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और आपका भैया टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मिलेंगे दोबारा किसी वीडियो पर और दोबारा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हुए। तो टिल देन बाय।